चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह रहे अब बस करो हैंड्री। देखो यार, एक चीज जो हम सब इंसानों में कॉमन है वो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन में बहुत ज्यादा शैतानी करते थे, है कि नहीं? आप भी शैतान थे क्या? अब देखो, आज के वक्त में मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं कौन सी शैतानियां करता था, लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छे से याद है वो है मेरी मम्मी का डायलॉग। और शायद इसीलिए भी बस करो हेनरी का कार्टून इंडिया में इतनी ज्यादा फेमस हुआ था। हर एक इंडियन बच्चा अपने आप को हेनरी के कैरेक्टर में देखता था, और तो और उसके स्ट्रिक्ट मम्मी में अपने घर वालों को देखता था। और यार, पीटर के कैरेक्टर को कौन भूल सकता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बच्चा था। अब आपके घर में भी या आपके घर के आसपास भी एक पीटर जैसा लड़का या लड़की तो जरूर रहता होगा, जिन्हें देखकर हमारे माता पिता कहते थे कि इनकी तरह बनो। अब मुझे याद तो नहीं है कि बचपन में किस उम्र में मैंने बस करो हेनरी का कार्टून देखना शुरू किया था। बस एक दिन कार्टून नेटवर्क पर इस नए कार्टून की झलक देखी और पूरा वक्त बस करो हेनरी घर में शुरू हो गया। लेकिन जिस शांति से ये कार्टून इंडियन टीवी चैनल्स पर आया था, उसी शांति से ये कहां गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बस करो हेनरी को इंडियन कार्टून चैनल्स पर टेलीकास्ट करना बंद कर दिया गया था। तो बस क्या, बने रहो वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप बस करो हेनरी के कैरेक्टर डिजाइंस को देखकर समझ पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन इसकी पूरी स्टोरी अमेरिका नहीं बल्कि यूके के एक फैमिली के ऊपर बेस्ड है। वेल, देखो, इसे यूनाइटेड किंगडम में ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स के फेस पर रेडिश कलर के स्पॉट्स है, जो एक तरह से इंग्लिश लोगों की क्वालिटी को दर्शाता है। अब शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बस करो हेनरी का रियल इंग्लिश नेम हॉरिड हेनरी है, जिसमें हॉरिड का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है भयंकर या डरावना। बस करो हेनरी की शुरुआत सबसे पहले एक चिल्ड्रंस कॉमिक बुक से हुई थी, जिसकी ऑथर फ्रांसिस्का साइमन है। ऑक्सफोर्ड जैसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद फ्रांसिस्का साल 1989 में एक फुल टाइम चिल्ड्रंस बुक राइटर बन गई थी। इसके अलावा 4 साल बाद ही फ्रांसिस्का की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी खुद की हॉरिड हेनरी नाम की एक चिल्ड्रंस बुक को रिलीज की। अब ये दूसरे चिल्ड्रंस बुक से काफी ज्यादा अलग था। अब जहां दूसरे कॉमिक्स में बच्चों को फेयरी टेल्स और जादुई दुनिया या कहानियों के बारे में बताया जा रहा था ना, वहीं हॉरिड हेनरी के कॉमिक्स में एक बहुत ही शैतान बच्चे की स्टोरी बताई जा रही थी। अब देखो, ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट का कॉमिक था, जो तुरंत ही यूके में फेमस हो गया। उन्होंने हॉरिड हेनरी के बहुत सारे अलग अलग एडिशंस रिलीज किए। उस वक्त बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इसी तरह की कलरफुल बुक्स बना करती थी। अब साल 1994 से लेकर 2021 तक हर साल बस करो हेनरी का कम से कम एक कॉमिक तो जरूर रिलीज हुआ है। अब देखो, एक आर यूके फेमस हो जाने के बाद हॉरिड हेनरी की बुक्स को 25 प्लस लैंग्वेजेस में लिख के दुनिया भर में बेचा गया। स्पेशली अगर बात करूँ तो 2001 से 2010 के बीच इस बुक की पॉपुलैरिटी सबसे एक्सट्रीम पर थी। इसी बीच हॉरिड हेनरी के कॉमिक्स बुक को एक एनिमेटेड सीरीज में कन्वर्ट करने का प्लान भी बनाया गया। अब नोवल एंटरटेनमेंट ने इस काम को एक्सेप्ट किया और साल 2006 में बस करो हेनरी के 52 एपिसोड्स को डेवलप किया गया। अब इसकी हाई एनिमेशन क्वालिटी और रिलेटेड स्टोरी लाइन को देख कर यूके के एक चैनल CITV ने हॉरिड हेनरी को अपने चैनल पर चलाने के लिए उसके राइट्स मांगे। बस यहीं से हॉरिड हेनरी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगा। अब देखो, इस शो को बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके करीब 80 प्लस कंट्रीज में दिखाया जाने लगा। CITV पर दिखाया जाने वाला ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो बन गया। और अब जैसा हर पॉपुलर शो के साथ होता है, इसके आगे के सीजन को भी नोवल एंटरटेनमेंट ने बनाना शुरू कर दिया। 2009 में सीजन 2, 2011 में सीजन 3 और 2014 में हॉरिड हेनरी का 4th सीजन रिलीज किया गया। अब हर एक सीजन में करीब 52 एपिसोड्स थे। अब दोस्तों, CITV यानी कि चिल्ड्रंस ITV धीरे धीरे बच्चों को अपने चैनल की तरफ खींच रहा था, लेकिन भूलिए मत कि वो वक्त ऐसा था जब सभी कार्टून चैनल्स बच्चों के अटेंशन के लिए मार्केट कर रही थी। डिज्नी चैनल, कार्टून नेटवर्क चैनल और निकलोडियन चैनल, ये तीनों एक दूसरे में जबरदस्त तरीके से लड़ाई कर रहे थे। ये तीनों ही अपने चैनल्स पर वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर कार्टून शोज को दिखाना चाहते थे और किसी भी दूसरे चैनल को कंपटीशन से हटाना चाहते थे। अब देखो,
बिल्कुल कुछ ऐसा ही बस करो हेनरी के साथ भी हुआ। नोवल एंटरटेनमेंट ने 2018 में हॉरिड हेनरी कार्टून के राइट्स निकोलोडियन को बेच दिए। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी किसी पॉइंट पर हॉरिड हेनरी के राइट्स को खरीद लिया। अब निकोलोडियन पर हॉरिड हेनरी कब आना शुरू हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि सबसे पहली बार मैंने कार्टून नेटवर्क पर बस करो हेनरी को देखा था। अप्रैल 2014 में पहली बार इसे इंडियन ऑडियंसेस के देखने के लिए रिलीज किया गया था। अब मुझे याद है कि हेनरी के उस हिंदी डब आवाज ने मुझे तुरंत इस कार्टून की तरफ अट्रैक्ट किया था। ना आंधी ना तूफान, शी मम्मी पापा कभी कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते, जैसे चलो बेटा आज पूरा दिन तुम बैठ के टीवी देखोगे। मतलब देखो, आप इसकी आवाज सुनकर ही बता सकते हैं कि हेनरी एक बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा है। अब शो की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है। हेनरी एक बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा है जो अपनी हरकतों से सभी को परेशान करके रख देता है। वही उसका भाई पीटर एक परफेक्ट बच्चा है जो अपने माता पिता की हर बात को मानता है। अब हर दिन हेनरी कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है और हर दिन उसकी मम्मी उसे डांट कर उसे सुधार देती है। पढ़ चाहिए हेनरी। अब सच कहूँ तो यार, हेनरी की आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे हेनरी कोई शैतान बच्चा नहीं बल्कि एक गुंडा है। अब जहाँ दूसरे कार्टून्स में ये सिखाया जा रहा था कि आसपास साफ सफाई बनाए रखो या अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करो, वहीं बस करो हेनरी का मेन कैरेक्टर इन सभी चीजों का उल्टा किया करता था। अब देखो, इंडिया के बच्चों को भी ये इसी वजह से तो पसंद आया था क्योंकि हमें भी जो कहा जाए उसका बिल्कुल उल्टा करना ही हमें पसंद है कि नहीं। आज के वक्त में ना कार्टून नेटवर्क पर और ना ही निकलोडियन पर कहीं पर भी बस करो हेनरी के कार्टून को दिखाया नहीं जाता। अब मेरे ख्याल में आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस कार्टून के बंद होने की वजह क्या हो सकती है। बेशक पूरी दुनिया में इस कार्टून को लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। हर कंट्री के पेरेंट्स बोल रहे थे कि ये कार्टून हमारे बच्चों को बुरी आदतें सिखा रहा है, लेकिन देखो एग्जैक्टली इस वजह से इंडिया में बस करो हेनरी बंद नहीं हुआ था। वैसे मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पेरेंट्स को इस कार्टून से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। उन्हें अच्छे से पता है कि एक चप्पल मार के वो अपने बच्चों को बिल्कुल सीधा कर देते। चली रा चली जियो रे बाहुबली। अब एक्चुअली में इंडियन मार्केट ने अचानक ही लोकल कार्टून चैनल्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। सरकार भी जोरों शोरों से कह रही थी कि मेड इन इंडिया की चीजों पर फोकस करो। इसी फॉर्मूले को कार्टून इंडस्ट्री ने भी अपना लिया और मोस्टली इंडियन मेड कार्टून्स को टीवी शोज पर रिलीज किया जाने लगा। अब बस करो हेनरी भी इन्हीं सब के बीच कहीं दब गया और अब मुझे नहीं लगता कि ये वापस कभी इंडियन टेलीविजन पर आने भी वाला है। खैर, ये दुख की बात नहीं है क्योंकि ज्यादातर एपिसोड्स के हिंदी डब आप यूट्यूब पर आराम से देख सकते हो, तो जाओ और उन्हें एंजॉय करो। वैसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था हॉरिड हेनरी पे वीडियो बनाने के लिए, तो देखो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। अब बनाया है तो आपको लाइक करना पड़ेगा, तो वीडियो को लाइक करो, कंजूसी मत करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और उन्हें भी बचपन की याद दिलाओ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।